अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ दही बल्लू की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इन बल्लू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बल्ले बनाएं, जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज कर दें। 1 से 1.5 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर इस्तेमाल करें। 1/2 किलो माश की दाल लें, इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दें। 5 घंटे के बाद दाल को पानी के साथ अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लें। ग्राइंडर जार में डालें 1 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज, 3 सब्ज़ मिर्चें डालें, हसबे ज़रूरत दाल डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। दाल अच्छी तरह ग्राइंड हो चुकी है, इसे किसी बड़े साइज़ के बर्तन में निकाल लें। ग्राइंडर जार में हसबे ज़रूरत दाल डालें, 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हसबे ज़रूरत पानी डालकर इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ग्राइंडर जार में बाकी की बची हुई दाल डालकर साथ ही नमक डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच। हसबे ज़रूरत पानी डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अब इसे एक बार अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अजवाइन डालेंगे 1/2 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी के बराबर डालकर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लें और थोड़ा सा बैटर इसमें डालकर चेक करें। अगर बैटर पानी के ऊपर तैरने लगे तो बल्लू का मिक्सचर तैयार है। फ्राई पैन में हसबे ज़रूरत ऑयल डालकर गरम करें। ऑयल गरम हो चुका है, दाल का बैटर डालकर फ्राई करेंगे। बल्ले आप छोटे साइज़ के बनाएं। आप चाहें तो बल्लू को हाथ के साथ ऑयल में डालें, चाहे तो चम्मच के साथ। बल्लू को हमेशा हल्की दरमियानी आँच पर फ्राई करें। एक साइड से हल्का कलर आने पर साइड को चेंज करें। और दोनों साइडों से गोल्डन कलर आने पर निकाल लें। इसी तरह सारे बल्ले फ्राई कर लें। अच्छी तरह ठंडा करने के बाद बल्लू को जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज कर दें और ज़रूरत पड़ने पर निकाल कर इस्तेमाल करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।